हाय, आज हम एक मज़ेदार केक बनाने वाले हैं जो एकदम रस भरी केक है और सबसे यूनिक डेजर्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट ले लीजिए। ये मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया। तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लीजिए। अब जाएगा इसमें वेनिला एसेंस। मेल्टेड बटर, होममेड मलाई, मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में कंडेंस मिल्क। अब सभी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं। अब डालते हैं 1 चम्मच विनेगर और अब धीरे धीरे करके हमें दूध डालते जाएंगे और सभी चीज़ों को मिलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा केक का बैटर एकदम बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हमें 50 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक करना है। जब तक केक हमारा बेक होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हमें एक मलाई रबड़ी बनानी है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं 1 कप दूध, साथ में मलाई और कंडेंस मिल्क। अब हमें इस बैटर को तब तक उबालना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता रबड़ी जैसा, या फिर 15-20 मिनट के लिए इसे सिमर होने दें। तो आप देख सकते हो ये हमारा मलाई रबड़ी एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें बस ऐसा ही मलाई रबड़ी चाहिए। अब 50 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक करते हैं। केक हमारा बन चुका है। अब हमें इस केक को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। केक ठंडा हो चुका है तो इसे फॉक से पिक कर देते हैं। अब जो हमने मलाई रबड़ी बनाई है वो उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। साथ में थोड़े से पिस्ता और आलमंड स्प्रेड कर देते हैं, या फिर जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो ऊपर से डाल दीजिए। अब इस केक को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हो।
तो फाइनली अब हमारा मलाई केक बनके तैयार हो चुका है। तो इसे अपने घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।